कमेंट्स को मैं देख रहा था, जैसे जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं, शायद फोर्स में होंगे हमारे देश के जवान हैं, थॉमस पन्ना जी जो एक कमेंट्स किए हैं, हालांकि काफ़ी दूर में हम हमसे क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त मैं आज आपको जैसे छोटे छोटे ब्लॉग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो आज स्पेशली आगे दोस्तों फिर से बिना भार का खेल मैदान। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो मैच होगा उसके बारे में स्पेशली जानकारी दूंगा, तो फिलहाल दोस्तों मंडे वीडियो में देखते रहिए। दोस्तों अभी सेकंड राउंड का सेकंड टीम बोले तो खेलने वाला है, तो सब पहले टीम का नाम बता दो यार। बन कोम्बो नाम बता दो। विकास बेग, धन्यवाद। श्री आनंद तत्व, जॉनसन मीन, अभिराज मीन, सौरभ लकड़ा, विकास आनंद, नितिन, अतुल, रोहित, राहुल बेग। बेस्ट ऑफ लक भाई लोग, अच्छे से खेलना। फिलहाल दोस्तों सेकंड टीम से पूछता हूँ कौन सा टीम है। एफसी कोरिया। परिचय दे दो। नैन खलखो, एनडी, बिट्टू, जॉनसन, योगेश कुमार, उसके बाद एक्स्ट्रा वाले आशीष, अखिलेश, बेस्ट प्लेयर जज खेलना ना। फिलहाल दोस्तों अभी एक मैच स्टार्ट होके ख़त्म हो चुका है, तो उसके बारे में स्पेशली मैं दोस्तों जानकारी लेना चाहूँगा हमारे दीपक सर से। तो कौन कौन टीम खेला उसके बारे में बता दीजिए भैया। सबसे पहले दशरथ, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी जी, आपने आकर अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से हमारे इस गोटोलैंड बिना बाहर लकड़ फुटबॉल प्रतियोगिता को पूरा दुनिया में दिखाते हैं, इसके लिए आपको सहायता धन्यवाद। और आज का सेकंड राउंड का पहला मैच जो खेला वो आरएस संगम वर्सेस बगिया के बीच, जिसमें आरएस संगम ने 1-0 से बढ़त बनाकर अपना स्थान पहला थर्ड राउंड का में स्थान बना लिया है। धन्यवाद भैया। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो सेकंड मैच चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को स्पेशली जानकारी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैं स्पेशली जाके जो भी खिलाड़ी हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन लिया और क्या क्या नाम है पूछा, ये सारी चीज़ हुआ। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों इनका जो खेल होगा उसमें कौन सबसे पहले गोल करेगा दोस्तों वो देखेंगे, और मैं दोस्तों स्पेशली उस मेंबर से मिलाऊंगा। तो फिलहाल अभी दोस्तों बने रहे वीडियो में, देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैच स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हो दोस्तों कौन सी टीम सबसे पहले गोल करती है, क्योंकि दोस्तों ये टीम में मुझे लगता है कि मेरे दोस्त यार लोग ज़्यादा ही थे, बोले तो ब्लू कलर जो ड्रेस पहने दोस्तों उसमें। तो फिलहाल अभी दोस्तों देखते हैं कौन सी टीम गोल करती है, उस गोल करने वाले मेंबर जो होंगे उनसे मिलाने के लिए आपको जाऊंगा। तो फिलहाल अभी दोस्तों बने रहे वीडियो में, देखते रहिए। ये ईट का जप्पा पत्थर से देते हुए बिल्कुल यहाँ पर बीट हुए हैं गोलकीपर। यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा था कि पिछले सीजन एफसी गोरिया की टीम ने काफी अच्छा मैच खेलकर जो माफी चाहूंगा, काफी तादाद में यहाँ पर अतिथियों का आगमन हो चुका है और हमारे समिति के मीडिया प्रभारी भाई साहब माफी चाहेंगे, फोन लगा नहीं पाए। संतोष भैया जी का भी हार्दिक स्वागत है, उप सरपंच यादव जी का भी मैं हार्दिक स्वागत कर, कैप्टन के द्वारा और लगातार यहाँ पर 2-1 से यहाँ पर बढ़त बना चुकी है बनकोम्बो की टीम। गोलकीपर बीट हो रहे हैं, दोनों ही गोलकीपर के कंधे पर काफी बड़ी जिम्मेदारी, और आज अगर मैच जीतते हैं, हालांकि देखा जाए तो दोनों ही टीम के गोलकीपर की जो प्रदर्शन रहा थोड़ा सा निराशाजनक होगा, क्योंकि पूरे प्लेयर्स जो होते हैं 10 प्लेयर पूरी उनकी उम्मीद रहती है कि हमारा गोलकीपर अच्छा काम करे, अच्छा वर्क करे, लेकिन यहां पर चूक की जरूर है दोनों ही टीम के गोलकीपर। लेकिन बढ़त की हम बात करें तो बनकोमो की टीम 2-1 से बढ़त बना चुकी है, और इस मैच के पश्चात आज का तीसरा मैच ब्लैक पैंथर ढोकड़ा वर्सेस नव संकल्प एफसी के बीच मुकाबला, और ये काफी दूर से
ये मैच बिल्कुल अलग है अंदाज में। इंटरनेशनल मैचों में हमने देखा है इस तरह के जो हेडर, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, सही पास, सही रणनीति और एक बेस्ट हेडर, और यहां पर वापसी करते हुए बराबरी के साथ स्कोर बॉड 2-2 की बराबरी के साथ यहां पर मैच खेलती हुई दोनों टीम, और कहना काफी मुश्किल है। मेरे सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी थोड़ा सा जुड़ना चाहूंगा। और ये चटनी कौन सा चटनी है थोड़ा बताएं, मूंगफली के साथ जो कि मजा ले रहे हैं, थोड़ा बताएं भाई क्या है। रॉक्स वर्सेस एफसी ग्रोटोलाइन नगर पंचायत कुनकुरी के बीच मुकाबला हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर फ्री किक का मौका मिलता हुआ गोरिया की टीम के लिए, और यहाँ पर चांस बन सकता है लगभग 20 गज की दूरी से, लगभग एक अच्छा चांस, अच्छा मौका, लेकिन ऑन टारगेट की जरूरत, और ये सही दिशा में सेकंड पॉल में। थैंक यू भैया मुझे अवसर देने के लिए। मेरा नाम प्रीति लकड़ा है, और प्रीति लकड़ा जो कि यहाँ पर रोज मैच देखने के ला रही हैं और मैच के साथ मूंगफली का भी लुत्फ उठा रही हैं, और कैसा लग रहा है ये हम मैच देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है भैया मैच देख के। और भी महिला दर्शक है, हालांकि ये तो हमारी समिति के साथ जुड़े हुए हैं, बरगद पेड़ के नीचे कई के लिए क्या उनका क्या योगदान होगा। ये बिल्कुल पंच लगाकर गोलकीपर प्रेशर में, क्योंकि बॉक्स के अंदर जैसे बॉल पहुंचती है थोड़ी मुश्किल जरूर होती है एक अच्छे, और जरूर यहां पर कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हो रही हैं, और अभी तक जो गलतियों की वजह से ये गोल स्कोर आज का ये दूसरा मैच में हमें सब्स्टिट्यूट गोरिया की टीम में 7 नंबर की जर्सी में आउट। और अब वो समय आ गया है गोरिया की टीम के लिए डू एंड डाई का मैच, करो और मरो, क्योंकि आप यहां से मैच हारते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता। मैं पर रक्षापंथी 14 नंबर की जर्सी में बनकोम्बो के, और खलबली सी मच गई है गोरिया की टीम, ये मौके बन सकते हैं लेकिन चूके जरूर है। और ये फिलहाल दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा सा दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग वीडियो डालूंगा तो येलो कलर की मैं रोज रिपोर्ट देता हूं, तो वो रिपोर्ट देने के लिए मैं सक्षम नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है दोस्तों की लगभग मैच का जो जानकारी है उस जानकारी को दे दूं, और मैं जो भी थोड़ा बहुत खेलने वाला समिति वाली बोला प्ले और प्लेइंग पता है उस वर्क को दिखा सकूं, तो इधर दोस्तों मैं देखता हूं टीम मेंबर से परिचय कराता हूं। वो टीम का नाम क्या है? परिचय दे दो, परिचय दे दो, नाम क्या है? मैं देखा कीप का जवाब पत्थर से देते हुए दोनों टीम, लेकिन जीत यहाँ पर हासिल हुई है बनकोम्बो की टीम, और अगले राउंड किसी क्वार्टर में बेस्ट ऑफ लगाए लो अच्छे से खेलना। टीम का नाम बताओ, और एक मैच खेले जाने हैं, रेफरी बनकर बिल्कुल आप संकल्प समय परिचय दे दो, तैयार रहेंगे परिचय दे दो, ताकि मैच प्रारंभ कर सके। और पवन विजय वाले बाबू आप लोग आइए ना भैया, फीफा एंथम के लिए नाम तैयार रहेंगे। सुमित नाम ऋतिक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक अच्छे से खेलना। फिलहाल दोस्तों मैच स्टार्ट हो गया है, और फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को और बता देना चाहूँगा कि मैच को देखना है दोस्तों तो मैदान में आना पड़ेगा, मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग को बस नौ संकल्प इन्फॉर्मेशन मिलता है, और वही चीज कर रहा हूँ दोस्तों। और फिलहाल गोल जज के लिए जो भी टीम रणवीर रणवीर टीम मेंबर से मिला वहाँ खाली बैठे तो गोल जज के ला जाए। 3 मिनट के दौरान ही यहाँ पर एक गोल की बढ़त दोस्तों बना चुकी है ब्लैक पैंथर दुकड़ा। फिलहाल दोस्तों दूसरी सफलता मिलते हुए ब्लैक पैंथर की टीम को डिफेंस, ऐसे में दोस्तों
छह गोल मारी देगा मुझे ऐसा लगता है। ब्लैक पैंथर फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या होता है। मैच का रिपोर्ट बता दीजिए भैया और हमारे जो कमेंट्स किए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार जानकारी दे दीजिए। दशरथ जी सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जो दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से देखने का मौका जरूर मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं जो मैं आपके चैनल को मैं कमेंट्स को मैं देख रहा था, जैसे जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं, शायद फोर्स में होंगे, हमारे देश के जवान हैं थॉमस पन्ना जी, जो एक कमेंट्स किए हैं। हालांकि काफ़ी दूर में हमसे क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो मैं थॉमस पन्ना जी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज का जो मैच है काफ़ी रोमांचक, क्योंकि अब सेकेंड राउंड का मैच प्रारंभ हो चुका है दशरथ जी, और कई ऐसे अहम टीम है, कई ऐसे टीमें जो हैं जो अपनी दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है, जिसमें आज हमने पहला मैच देखा आर एस संगम वर्सेस बगिया के बीच, जिसमें आर एस संगम ने 1-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुँच चुके हैं, जो प्री क्वार्टर का मुकाबला होगा। और दूसरा मैच एफ सी गोरिया वर्सेस बनकुंबो के बीच काफ़ी टसन मैच रहा है, काफ़ी कांटे की टक्कर का मैच रहा है, जिसमें एफ सी बनकुंबो की टीम ने 3-2 से मैच जीतकर अगले राउंड में जो प्री क्वार्टर में वो जगह बना ली। और ये अभी तीसरा मैच चल रहा है दशरथ जी, और इसमें ब्लैक पैंथर दुखड़ा की टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है फर्स्ट हाफ का ये मैच चलता हुआ। और आखिरी मैच जो होगा सेकेंड राउंड का, ये आखिरी मैच बनकुंबो बमनी रॉक्स गिनाबहार वर्सेस ग्रोटो लाइन नगर पंचायत कुनकुरे के बीच बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा दशरथ जी। धन्यवाद भैया। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैच का जो आंखों देखा हाल है उसको दिखाता हूं, क्योंकि दोस्तों 2-0 की बढ़त पे ब्लैक पंथर, और मुझे लगता है दोस्तों ब्लैक पंथर 6 गोल कर जाएगी अगर ऐसे ही कंडीशन रहा तो। फिलहाल अभी तो दोस्तों देखते हैं मैच क्या हाल होता है। फिलहाल दोस्तों बने रहिए में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि लॉन्ग वीडियो दोस्तों मेरे लिए पूरी तरह से बढ़ता नहीं है, क्योंकि दोस्तों एडिटिंग करूँगा तो 2 दिन का समय लग जाएगा, जो 45 मिनट या 50 मिनट का जो गेम होता है उस गेम का अगर मैं पूरी तरह से वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, और अपलोडिंग करूँगा तो वो मुझे लगता है दोस्तों 2 दिन का समय वो भी ले लेगा। इसलिए दोस्तों जो भी वीडियो है 16 मिनट 17 मिनट 20 मिनट समथिंग का, ये दोस्तों चारों मैच को कवर करने के लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो डालूँ तो आप लोग को टाइमली रिपोर्ट दे सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं लंबा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसमें मुझे परेशानी होती है एडिटिंग करने में भी और अपलोडिंग करने में भी। तो फिलहाल अभी तो दोस्तों गेम चल रहा है उसको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपको? राकेश। पहला गोल आपके टीम के लिए आपको कैसा लग रहा? अच्छा लगा पूरा। और गोल करना है? करना है। धन्यवाद भैया। दूसरा गोल करने वाला मेंबर्स मिला दोस्तों, नाम बता दो भाई। दूसरा गोल अपने टीम के लिए किए कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। और भी गोल करो, बेस्ट लग रहा है ना। ये हैडर की जरूरत, खतरा मंडराता हुआ बॉक्स के अंदर जरूर बॉल थी। फाइनल दोस्तों ब्लैक पंथर और नवाब संकल्प में जो मैच हुआ उसमें ब्लैक पंथर 2-0 की बढ़त पे विजय हो गई। तो दोस्तों चौथा मैच होगा उसको दिखाता हूँ। महिला वर्ग में टीम का नाम बताओ, जो विनर टीम होगी 7,000 का नाम बता दो। शिव लकड़ा, मनोज यादव, जी के सौजन्य से किया जाएगा। टीम का नाम बता दो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नाम बता दो, बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट गोलकीपर का जो कि अवार्ड भी दिया जाएगा। 18 तारीख महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों का क्या नाम मुकाबला, फाइनल मैच हमें इस मैदान में देखने का अवसर मिलेगा। सभी दर्शकों से गुजारिश है
डीजे वाली बाबू फीफा एंथम के साथ मैदान में प्रवेश करेंगे। मौका बन सकता है 7 नंबर। ओह माय गॉड, ये मौके बोले रुको, ये मैच का भी रोमांचक। ये राइट साइड से काउंटर अटैक, 2 नंबर की जर्सी में यहाँ पर टेकल, काफी अनुभवी गोलकीपर, अच्छी कोशिश, नपी तुली की 5 नंबर, सीधे गोलकीपर के हाथों। यह जगह ढूंढ रहे हैं, कोशिश अभी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन बेहतरीन गोलकीपिंग। एक एक्सपीरियंस होल्डर जो गोलकीपर होते हैं, उनकी जो खेलने की जो टेक्निक होती है वो देखकर ही समझ में आती है। और 12 नंबर की जर्सी में बोलेरो, आज मिड पे मिड का जो जिम्मेदारी दिया गया है डिफेंडर, ये गलतियां हुई थी, मौका मिला था और चूके जरूर है, स्कोर होता तो टप्पू 1-0 की बढ़त लेते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम का समय हो गया है, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई सा टीम भी अभी तक गोल नहीं किया है, लेकिन दोस्तों अभी देखते हैं हाफ टाइम के बाद में जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। रुकिए ना भैया, फिलहाल दोस्तों हाफ टाइम के बाद अभी मैच स्टार्ट होने वाला है और दोनों टीम में से कोई भी गोल नहीं किया दोस्तों, लेकिन अभी देखते हैं दोस्तों हाफ टाइम ख़त्म हो गया है और देखते हैं दोस्तों अभी रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलेगा या फिर प्लांटी शूटआउट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी दोस्तों बंडरी वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों प्लांटी शूटआउट होगा तो थोड़ा सा कौन सा टीम जीत जाएगा ये हमें कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो जो टीम प्लांटी शूटआउट में अच्छा रहता है चाहे नहीं रहता है वो भी जीत जाता है, ऐसे रहता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी देखते हैं कौन सा टीम जीतता है। अरे यार मार भाई, अरे बाप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों बचाया गोलकीपर ने। सपोर्टर किधर गए आप बताइए उसको। मैं गोटर है, निकल कर सपोर्टर, सपोर्टर कौन सा टीम को है? राहुल रॉबर्ट, राहुल रॉबर्ट लोकल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? आओ धन्यवाद भैया। फिलहाल दोस्तों शाम हो जा रहा है और अभी तक कोई सा टीम दोस्तों गोल करने में सक्षम नहीं हो पाई है, लेकिन देखते हैं दोस्तों गोटर लाइन और गिनावार की टीम स्पेशली खेल रही है। अभी तक तो सफलता किसी टीम को भी नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं दोस्तों लास्ट के कुछ समय में कुछ कर पाती है तो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा जो टीम मेंबर खेल रही है गोटर लाइन और गिनावार। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या होता है, आंखों देखा हाल हम लोग का, मेरा बदलते मेरा अच्छा लेटा गया। फिलहाल दोस्तों पहला गोल करते हुए गोटर लाइन की टीम और दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है, क्योंकि दोस्तों गोली गोलकी है जो
गोल पोस्ट से बाहर निकल जाना जो दोस्तों मेन मुद्दा वही हुआ। और फिलहाल दोस्तों अभी तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों अब फाइनली मैच खत्म होने वाला है और फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। उस परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा और उस दिवंगत आत्मा की अनंत शांति के लिए हम पूरे आयोजन समिति की ओर से हम तटस्थ हैं। हमें होती है भैया जी का जो मैच रिजल्ट है उसको बता दीजिए जी। दशरथ जी